गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर मल्टीनेशनल नेशनल इन शॉर्ट जिसे आप कहते हैं MNCs. MNCs का मतलब क्या मल्टी नेशनल कॉपोरेशन का मतलब वो है वो कॉपोरेशन वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर पर और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज और कॉरपोरेशन जो है वो इंगेज्ड होती हैं और उसी में से जो एक टाइप है कॉरपोरेशन का दैट इज मल्टी नेशनल अगर हम हिस्ट्री देखें एम की तो वो बहुत पुरानी है

टर्म पे अगर हम देखें तो जो टर्म है दैट इज मल्टी नेशनल मल्टी नेशनल मतलब मोर देन टू और मोर नेशंस में जो कॉपरेशन है वो एग्जिस्ट करती है और वहां पे वो अपनी functions करती है तो उसे हम मल्टी नेशनल कहते हैं मल्टी नेशनल का मतलब है वो कॉपोरेशन जिसकी जो एक्टिविटीज की लिमिट है वो स्प्रेड है ओवर मोर देन वन कंट्री तो उसे हम मल्टी नेशनल कहेंगे इसे सेवरल अदर नेम से भी जाना जाता है जैसे ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन मल्टी नेशनल एंटरप्राइज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और ग्लोबल कॉपोरेशन प्रेजेंट टाइम्स में जो टर्म मल्टी नेशनल कॉपोरेशन है वो ज्यादा यूज होती है वेरियस हैं जो हमारी कंट्री में भी है, जो हैं जो वर्क कर रही हैं दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर पी एन जी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जॉनसन एंड जॉनसन फिलिप्स कोलगेट सी एट एम आर एफ कोको कोला पेप्सी एल जी ने सैमसंग थॉम्पसन हुंडई वोडाफोन एक्सियन और आप अगर एक मिनट रुक कर अपने डेली लाइफ में भी नजर डालेंगे तो आप इन सभी कंपनीज का कोई ना कोई प्रोडक्ट अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इन दी वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईबीएम एक जो वर्ल्ड फेमस कॉरपोरेशन है आईबीएम, उसके वर्ड्स के में उसके प्रेसिडेंट के वर्ड्स में मल्टी नेशनल वो कॉपरेशन है जो ऑपरेट कर रही है बहुत सारी कंट्रीज में कैरी आउट कर रही है रिसर्च डेवलपमेंट मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंट्रीज में जिसकी मल्टी नेशनल मैनेजमेंट है और जिसके पास मल्टी नेशनल स्टॉक ऑनरशिप है उसे मल्टी नेशनल कहते हैं so in the words of president of ibm a world famous corporation multinational corporation is one that operates in many countries carries out research development marketing and manufacturing in many industries has a multinational management and has a multinational stock ownership in short multinational corporation बिग फर्म होती है जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड होता है एक कंट्री में लेकिन उसकी जो भी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो स्प्रेड है ओवर मेनी अदर कंट्रीज रीजंस क्या है फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कॉपोरेशमएंसीज जो है वो एक्सरसाइज करती हैं कंट्रोल ऑन द बिजनेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी अगर आप टॉप तो फाइव या टॉप तो टेन तो वर्ल्ड की जो एमएनसीज़ हैं वो जितना भी प्रोडक्शन कर रही हैं उससे जितना भी उनको प्रॉफिट अर्न होता है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज हैं उनके जेडीपी से तो वो उससे इन मल्टीपल टाइम्स जो है वो ज्यादा होगा तो ड्यू टू देर प्रोसेशन ऑफ लार्ज कैपिटल रिसोर्स इंटरनेशनल इमेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केटिंग सुपेरिटीज रिप्यूटेड ब्रांड ये जो एम एनसीज है वो डायवर्सिफाई करती है मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वेरियस कंट्रीज में वो इजिली सेल कर सकती हैं जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करती हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं वो क्रेजी हैं फॉर प्रोडक्ट ऑफ एमएनसीज तो ये जो टेंडेंसी है वो हेल्प तो करती है एमएनसीज़ को एक्सपैंड करने के लिए मार्केट उनके प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ऑपरेट कर रही हैं वर्ल्ड में वो है अबाउट एट्टी और जो उनकी एनुअल सेल्स है वो है यूएस थ्री जीरो एट टू थ्री बिलियन यूएस डॉलर्स और ये एमएनसी प्रोवाइड करवाती है एम्प्लॉयमेंट टू सेवेंटी ओन करती हैं एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन वो थी यूएस वन जीरो फोर टू नाइन बिलियन यूएस डॉलर्स और ये इंडिकेट करता है कि कितना बड़ा साइज होता है एमएनसी का मेन रीजंस क्या है इनकी ग्रोथ के लिए फर्स्ट इज इंटरनेशनल इमेज ड्यू टू इंटरनेशनल इमेज ऑफ जो के प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड वो इजीली कोलेबोरेट करती हैं बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ गवर्नमेंट्स के साथ डिफरेंट कंट्रीज की जहां पर वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती हैं, और इंटरनेशनल इमेज है तो हर एक कंट्री में वर्ल्ड की उन्हें वेलकम किया जाता है नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सुपेरिटी ड्यू टू देयर वेरी बिग साइज ये जो कार्पोरेशंस होती हैं इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सिज होती हैं ये एम एन सी स्टार्ट कर सकती हैं किसी भी टाइप का बिग वेंचर जिसमें लार्ज कैपिटल बेस की जरूरत होती है। जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स है वो स्टार्ट नहीं करते कर सकते इन वेंचर्स को क्योंकि उनके पास कैपिटल की कमी होती है मोर ओवर क्योंकि इनकी इंटरनेशनल इमेज की वजह से ये जो एम हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिस कंट्री में इस्टेब्लिश करना चाहती है वहीं के डोमेस्टिक मार्केट से भी ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सिज है मोबिलाइज कर लेती है और फॉरेन कैपिटल मार्केट से भी ये रिसोर्सिस को मोबिलाइज कर लेती है ड्यू टू गुड रेपुटेशन ये जो एम हैं वो बोरो करती कर सकती हैं फंड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल सुपेरिटी टेक्नोलॉजी जो एम की है वो बहुत ज्यादा बेटर होती है देन द टेक्नोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक डोमेस्टिकप्रेन्योर्स जो एम होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पेंड करती हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो एम हैं वो स्टार्ट करती हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपेरिटी जो एम हैं उन्हें वेलकम किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिवेलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लोकल मैन पावर है फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो बहुत अंडर इज होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इंक्रीज एक्सपोर्ट्स करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और ये जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है उन्हें तब मिलेगा जब वो यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने अनयुटिलाईज रिसोर्सेज का जो पॉसिबल हो सकता है विद द टेक्नोलॉजिकल सुपेरिटी ऑफ एमएनसीज नेक्स्ट इज मार्केटिंग सुपेरिटी एमएनसीज जो है वो इंजॉय करती हैं बेटर मार्केटिंग फैसिलिटी अपने इंटरनेशनल इमेज की वजह से गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स रिलायबल मार्केट इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम जैसे एडवांटेजेस की वजह से देन बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी जो एम हैं उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करता है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है न्यू प्रोडक्ट्स को और आर एंड डी फैसिलिटी हेल्प करती है एम को कि वो टाइमली अपग्रेड करे अपने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करे ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव हो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल नेशनल सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज जाइंट साइज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बहुत बड़े साइज की होती हैं उनकी एसेट सेल्स प्रॉफिट्स मल्टी करोड़ रुपीस में होता है जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जो सेल्स है ग्लोबल रिटेल चेन जो वॉलमार्ट स्टोर्स है एक्सन मोबाइल कॉरपोरेशन है जर्नल मोटर्स है फोर्ड मोटर्स है टोयोटा मोटर्स है वोडाफोन है उन वो बहुत ज्यादा है इवन जो जेडीपी है कई कंट्रीज की उससे भी ज्यादा है जो सेल है टॉप हंड्रेड एम की वो US, 7, 9, 6, है अबाउट यूएस सेवन नाइन सिक्स डॉलर इन दर टू थाउजेंड सेवेंटीन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑपरेशन जो एक्टिविटीज है मल्टी नेशनल की वो बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड होती हैं उनकी पेरेंट कॉपरेशन एक कंट्री में लोकेटेड होती हैं और उनकी जो सब्सिडीज है वो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उसमें स्प्रेड होती हैं जो पेरेंट कंपनी है उसके पास फिफ्टी वन परसेंट से लेकर हंड्रेड परसेंट शेयर होते हैं उसकी के। जो है, उसके पास फुल कंट्रोल होता है ओवर इट्स नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ जो पेरेंट कॉपरेशन है एम एनसीज की वो ट्रांसफर करती है अपने रिसोर्सिस टेक्निक मैनेजीरियल एबिलिटी रॉ मेटीरियल एक्सेट्रा टू इट्स सब्सिड्री कंपनीज जो ऑपरेट कर रही है मनी कंट्रीज में देन वेर एक्टिविटीज जो मल्टीनेशनल है, वो है वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में uh, ये कॉपोरेशन जो है वो एंगेज है बेसिक इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में एंड ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एटीन परसेंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सर्विस सेक्टर में है नाइन परसेंट इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट होती है वो मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होते हैं तो जो मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन है वो वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और सेलर्स हैं जिस इंडस्ट्री में और इसका मतलब कि जहाँ पर मार्केट कंडीशन करती हैं तो जो ये कॉपोरेशन हैं उसकी वजह से उनके उनके पास कंट्रोल रहता है ओवर दी दाइजेस ऑफ दी प्रोडक्ट और हाई प्राइस फिक्स करके इन प्रोडक्ट्स का वो ज्यादा प्रॉफिट्स ऑन कर सकती हैं और ये कॉपरेशन इस तरीके से प्रिवेंट भी करती है एंट्री न्यू फॉर्म्स की उस मार्केट में द नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल ऑनरशिप जो सिटीजन है बहुत सारी कंट्रीज के उनका उनके पास शेयर है कैपिटल में मल्टी नेशनल कॉपोरेशन की और जो शेयर्स है एमएनसी के आप उसे बाय और सेल कर सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल मल्टी नेशनल मैनेजमेंट जो मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन है उन्हें मैनेज इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है तो जो इनके बोर्ड होता है जो मैनेजिंग बोर्ड होता है उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं सेवरल कंट्रीज से देन ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स एम के पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनका कैपिटल बहुत ज्यादा होता है कैपिटल मिलियंस बिलियंस में होते जो है. हैं वो करती है Modern and advanced technology. Research and development activities MNCs की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है देन मार्केटिंग सुपेरिटी एमएनसीज एंजॉय करती है मार्केटिंग एडवांटेज ड्यू टू वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स इंटरनेशनल इमेज गुड एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एसेट्रा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस रोल एडवांटेजेस आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एमसीज इन इंडिया इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच